मुझे तुझे देख के हंसी आई, क्योंकि पहले के लोग तो जानते हैं कि एक वीडियो से लेके आज तक तू ही बना रहा है ना। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं, नए वाले को भी किससे बात करती है। तो मैं अपने बेटे अनुभव से बात करती हूँ जब भी वीडियो बनाती हूँ। आज मुझे उसे देख के ऐसे आ गई, वो एकदम रेडी रह जाता है जब भी मैं वीडियो बनाने के लिए बोलती हूँ। तो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आप लोग भी बोल रहे होंगे, रोज ही बोल रहे होंगे कि गणपति के दिन चढ़ते हैं। जिस समय मैं हैदराबाद में रहती थी तो भैया एक से एक मूर्ति, एक से एक पंडाल लगते थे। उस चीज़ को मिस करती हूँ, तो इसीलिए आवाज़ भी निकल जाती थी, गणपति बप्पा मोरिया। तो मैं बनाने वाली हूँ नारियल के लड्डू मावा मिलाकर, सिंपल तरीके से। और कैसे बनाने हैं, बहुत इजी मेथड से बना रही हूँ। मोदक की वीडियो एक बार बनाई थी हमने 2 साल पहले, तो मोदक बनाते हुए एक बादाम हटा गया था और मोदक हमारा गया था टूट। उसको दोनों इतने ज़ोर से हंसे थे, आप लोग सर्च करना उस मोदक की वीडियो को भी देखना। तो चलिए आज बनाते हैं नारियल के लड्डू। नारियल के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमने अपना एक पैन रख लिया है और हम भुनेंगे पहले अपना नारियल। हम अपना मावा भूनेंगे पहले, हल्का सा मावा भून लेंगे। और आधा चम्मच से भी कम मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ, आधा चम्मच से भी कम मैंने यहाँ पे देसी घी डाला है, ताकि हमारा थोड़ा सा मावा अच्छे से भून जाए, कच्चा होता है। और सिंपल तरीके से बना रही हूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं है नारियल लड्डू बनाना। और मोदक की वीडियो डालनी थी, लेकिन आप बिना सानी को सर्च कर लेना, आपके पास आ जाएगी मोदक की वीडियो भी। और बनाऊँगी, लेकिन आज सोचा चलो नारियल की बना लेते हैं। इसमें मावा ज़्यादा डाला है और थोड़ा सा और डाल देते हैं। ये कम से कम 200 ग्राम के करीब मावा है। और यहाँ पे मैंने नारियल भी ले लिया है, नारियल भी ज़्यादा है, एक कटोरी के करीब ले लिया है। ये भी 150-200 ग्राम के करीब है। थोड़ा सा इसके साथ इसको भी रोस्ट करेंगे। बहुत सिंपल तरीके की बनाएंगे। और इसके साथ मैंने नारियल को भी हल्का सा रोस्ट कर लिया, थोड़ा सा बचा लिया बाद में डालने के लिए। और यहाँ पे पीसी हुई चीनी 1 बड़ी कड़छी ली है, ताकि मीठा अच्छा हो, क्योंकि बिना मीठे के तो लड्डू अच्छे नहीं बनते हैं। और इसको अच्छे से हम 5-7 मिनट भून लेंगे। और ये लड्डू भी अच्छे बनते हैं, बच्चों के लिए भी अच्छे रहते हैं। और इसको करेंगे ऑफ, क्योंकि जल ना जाए, हल्के होते हैं, बहुत जल्दी भून जाते हैं। और 2-4 मिनट के लिए इसको मैं ठंडा होने के लिए रखूँगी। तो 2-4 मिनट के लिए इसको ठंडा होने देंगे हम। ये ठंडा हो चुका है, इसको ठंडा रखना है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा भी मत कर लेना, बनेंगे नहीं। फिर कहोगे आपने क्या बताया, मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने अच्छे हाथों से इसको मिक्स कर लिया। थोड़ा सा इलायची पाउडर और थोड़ा सा बादाम है, इलायची पाउडर भी है इसमें, ये इलायची पाउडर भी, थोड़ा सा हम बादाम है ये भी मैंने डाल लिया। इलायची पाउडर की भी अच्छी खुशबू आ जाती है। बस दरदरा सा डाल लिया थोड़ा सा, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इलायची की, इलायची की बहुत अच्छी। अब इस तरह से आपने अपने लड्डू बना लेने हैं। मीठा सही डला है, और इस तरह से आपने इसको फिर नारियल बुरादा में कोट कर लेना है। ये नारियल का बुरादा दुकान से मिल जाता है, आप किसी भी राशन की दुकान से ले लीजिएगा, मिल जाएगा इजीली। और इस तरह से हम लड्डू अपने साइज़ अपने हिसाब से बनाइए, जितना ज़्यादा बनाना उतना बनाइए, मेरे तो 10-12 भी बहुत है। और 10-15 मिनट के लिए से ठंडा रख लेना, फिर अपने आप ही जम जाएंगे। ये बनते जा रहे हैं बप्पा के लिए। और गणपति एक को बेसन के लड्डू भी बहुत पसंद है, मोदक तो आते ही देखे, कहते हैं ना लड्डुओं का भोग लगे संत करे सेवा, है ना। तो लड्डुओं का भोग तो लोग हमेशा ही लगाते रहते हैं। तो यहाँ पे मेरे कुछ लड्डू बन चुके, काफ़ी अच्छे, देखो हाथ से बंध रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे जोर लगाना पड़ रहा है, नहीं नहीं, ये बनते जा रहे हैं और काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे बन रहे हैं, और बस इस तरह से कोट कर लेंगे। और बन चुके हैं, यहाँ पे इसको हटा लेंगे। तो बहुत सिंपल तरीके से आज मैंने नारियल लड्डू बनाए हैं। बहुत सिंपल, आपने देखा है कि हल्का सा भुना नारियल बुरादा लिया, इलायची ली छोटी, पीसी हुई चीनी ली और बना ले। तो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो ये खाइए, बनाइए, भोग लगाइए गणपति को, मदद भी बनाएंगे। तो चलिए मिलेंगे नई नई वीडियो के साथ, ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।